बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज एएनएम जेएनएम एडमिशन फॉर्म 2022 और 23 के लिए। ये ओनली मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा, डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो आइए इस पे देखते हैं कि क्या क्या डिटेल इसमें है और कब कैसे फॉर्म आपको भरना है। इस पूरी डिटेल के साथ हम यहाँ पर देखिए हाजिर हैं। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, इसमें देखिए शेड्यूल जारी किया गया है और इस शेड्यूल में आप देख पाएंगे शेड्यूल फॉर एनम जेनम और कोर्सेस के लिए है कि लिखा हुआ है एडमिशन ऑन द बेस ऑन द मेरिट ऑफ 10+2, यानी इंटर की जो आपकी मेरिट है सिर्फ उसी के बेस पर आपको जो है एडमिशन यहाँ पर मिलेगा। तो ये एनम और जेनम के लिए बात हो गई। इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ जून आएगा, विद इन 1 मंथ में कंक्लूजन ऑफ द 12th क्लास, और यहाँ थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ जुलाई में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ अगस्त, और मॉप अप राउंड फिर सितंबर में, और स्टार्टेड एकेडमिक ईयर 1 सितंबर 2022। तो ये दे दिया गया है। इसमें डेट प्रपोज्ड कंसिडरिंग द अप्रोक्सीमेटेड डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द 12th रिजल्ट, यानी 12th का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही इस पे फॉर्म आएंगे, क्योंकि ये डेट घट बढ़ सकती हैं। क्योंकि अगर 12th का एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो अगर नहीं आया समय से तो ये डेट आगे बढ़ जाएंगी, अन्यथा की स्थिति में 12th का रिजल्ट अगर टाइमली आता है तो ये डेट वही रहेंगी। क्लियर हो गया होगा। तो ये तो एनम जेनम के लिए हो गया। उसके बाद ऊपर की बात करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो बीएससी नर्सिंग शेड्यूल्ड है डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हरियाणा पंचकुला के लिए है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो एकेडमिक ईयर 2022-23 है उसके लिए नर्सिंग में देखिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की जो प्रोग्राम्स हैं, और यहाँ बीपीटी जो है फिजियोथेरेपी का जो है पैरामेडिकल कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज जो अभी हमने बात कर ली उसके लिए शेड्यूल जारी किया गया। इसमें जो नर्सिंग और फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए टाइम शेड्यूल जारी किया गया, इसका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर होंगे नर्सिंग के, और वो जो हमने बताया डिप्लोमा के वो एकेडमिक मेरिट के हिसाब से होंगे। तो यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जून जो है यहाँ पर आएगा, और फिर उसके बाद कंडक्ट द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका। और ये जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा वो पंडित बीडी शर्मा यूएचएस यानी रोहतक जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी इस बार, उसके थ्रू ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उसका जो फॉर्म आएगा उसके तहत आप भर पाएंगे, यानी कोर्स पंडित बीडी शर्मा यूएचएस रोहतक टेस्ट फॉर ऑल कोर्सेज जितने भी कोर्सेज हैं उसके साथ में कराएगा। तो उसके लिए जो है थर्ड एंड फिफ्थ वीक ऑफ द जुलाई एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और 1 मंथ में जो 12th एग्जाम्स कंक्लूजन के टर्म्स में। फिर नर्सिंग के लिए नर्सिंग और फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल के लिए है, बाकी डिप्लोमा कोर्सेज जो आपके थे एनम जेएनएम के उसके वो तो इंटर बेस पे हैं, उसमें कहीं कोई भी समस्या नहीं। फिर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मॉप अप राउंड स्टार्टिंग एकेडमिक ईयर सभी का एक साथ ही शुरू होगा। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है आप देख सकते हैं 26/5/2022 को। तो जैसे ही ये फॉर्म रनिंग में आएगा, जैसे ही आप देख पाएंगे कि फॉर्म कैसे भरें कब क्या भरें, तो अगर आप इच्छा रखते हैं कि इनमें से कोई कोर्स करने की तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अपने दोस्तों को बताइए। अगर इससे रिलेटेड फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, आप इस पर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में स्वरान अकेडमी क्लासेस पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।